वरदा प्रदान की कहानी सबको पता है, जो हजूर महाराज जी के समय से किस तरह ये आज्ञा हमें मिली, हजूर गुरुदेव भगवान जी ने दी कि ये बड़ा ही उत्तम मास है, गिना जाता है कार्तिक मास। तो कार्तिक मास में ये पग पग पर सद्गुरुदेव भगवान का नाम सिमरन करते हुए जो नंगली की यात्रा है, वो हम पर बहुत बड़ा उपकार किया जो गुरुदेव भगवान ने हमें आज्ञा दे दी। तो उसी परंपरा को निभाते हुए आज ये 47वीं यात्रा है। ये ना समझे कि पिछले साल यात्रा नहीं हुई, क्योंकि कोरोना काल ज्यादा था, वो महामारी के कारण किसी को बताया नहीं। 8-10 गुरु महाराज जी के बच्चे और आखिर वाले दिन जैसी हमें भी महाराज जी ने प्रण करवाया था, गुरु महाराज जी के चरणों में जब हम पहली यात्रा में गए थे तो महाराज जी ने प्रण करवाया था कि जितने उस वक्त 22 मेंबर थे, तो उन्होंने प्रण करवाया गुरु महाराज जी के चरणों में कि जो आज आए हो वो प्रण करके जाओ कि दीपावली हर साल ऐसे ही गुरु महाराज जी के चरणों में मनाएंगे। तो जो भक्त शुरू से आ रहे थे, जब तक उनका जीवन रहा, उन्होंने अपने उस प्रण को निभाया, गुरु महाराज के चरणों में वो दिवाली मनाते रहे और उसके बाद उनके बच्चे उसी कड़ी से ये दिवाली आज तक उसी तरह मना रहे हैं। तो पिछले साल भी 10-12 यात्री जो थे, उन्होंने चुपचाप एक मानसिक यात्रा वालों ने घर में बैठे की और जिन्होंने जाना था वो अपने कदम कदम चलकर गुरु महाराज के चरणों में पहुंच गए। और आज ये 47वीं यात्रा, परमिशन तो नहीं मिल रही थी लेकिन जिस तरह भी है, जिस रूप में भी है, क्योंकि याद आ रही है वो पहली यात्रा, कि जैसे हम अपने आप ही भजन सिमरन करते हुए कि ढोलकी चिमटा नहीं, अब हम जहाँ रात को रुकेंगे वहाँ गुरु महाराज जी की आरती पूजा और भजन संकीर्तन थोड़ी देर का अपना वो नियम पूरा करेंगे और दिन में जो है जिस तरह की परमिशन मिली है उस तरह की आज्ञा में चलकर हम ये गुरु महाराज जी की यात्रा करेंगे। तो गुरु महाराज जी ने हमें ये भी, क्योंकि थोड़े से ही सेवादार, जितने 25-30 आदमियों का मिला है उतने लोग ही जो है वो सेवादार जा रहे हैं, क्योंकि नियम में ही चलेंगे तो हमारे लिए फायदा है, तो इसलिए उसी नियम में हमने कोई भी जो यात्री जा रहे हैं सबने भजन सिमरन करना है, चाहे दो दो लोग चलेंगे इकट्ठे। इसको सैर सपाटा मत समझना कि हम सैर करने जा रहे हैं, ये सैर वाली यात्रा नहीं है, ये भजन सिमरन की यात्रा है। आपने उसी तरह गुरु महाराज जी का नाम जपते हुए गुरु महाराज जी के चरणों में जाना, अपना लक्ष्य नंगली साहब को हमने रखना है, गुरु महाराज जी को अपनी आंखों के सामने, जहाँ चल रहे हैं गुरुदेव हमारे साथ चल रहे हैं, जैसा हम रोज पढ़ते हैं सुनते भी हैं सत्संगों में भी कि मेरे साथ चल रहे हैं तेरी रहमतों के साए, हजूर महाराज जी की सोटी जो हजूर महाराज जी ने हमें साथ में दी थी उसी की छत्र छाया में हम जो है नंगली साहब जाएंगे। तो पग पग पर नाम सिमरन करना है, तो जैसा सेवादार आपको कहेंगे जिस अनुशासन में चलना है, आगे पीछे भी ज्यादा नहीं होना, थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसी तरह चलना है और मोबाइल फोन रास्ते में मत चलाना। कोई भी सेवादार जो है मोबाइल अपना अंदर, अपने सबने नाम लिया हुआ है गुरु महाराज जी का नाम जपते हुए, जिसको जो भजन आता है अपने मन में गाते गाते अपना गुरु माई के चरणों की ओर बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन और भी ज्यादा थोड़ा स्पेशल हो गया कि हमारे मनोरमा बहन जी का आज जन्मदिन भी है, तो मैं उस जन्म